इसकी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, कौन से कॉम्पेंट सीरीज में लगे थे पैलर में, ये दो दिन में पढ़ा आपने? हाँ, कैसा लगा पढ़ के आपको यहाँ पर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ के। अच्छा, यहाँ पर जो सोच के आए थे वो मिला आपकी? नहीं, सब मिला, सब मिला आपको दो दिन में, और भी आगे आप मेहनत करेंगे यहाँ पर है। चेक करना आता है कि नहीं आता है? रजिस्टर भी चेक कर लोगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, दो दिन में यहाँ पर? सच बताओ, पैसा तो नहीं ले रहा हूँ है? नहीं, यहाँ पर पैसा दे रहे हो जबकि, है ना? पैसा दे रहे हो उल्टा? नहीं, नॉलेज दे रहे हैं सर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। नॉलेज नहीं था कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट जानते थे लेकिन उसका आउटपुट नॉलेज नहीं था हमको। तो आपको इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम, आपका चैनल। दोस्तों ये है मेरे साथ में 28 दिसंबर का बैच, ठीक है? तो यही है, फन भी होना चाहिए और टीचिंग में तो ही मजा आता है, ठीक है? और आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है, बेसिकली दो दिन का आउटपुट जिसमें हमने इनको कॉम्प्रेंट पढ़ाए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको कॉम्प्रेंट की नॉलेज है तो आप ये वीडियो मत देखिए, आप अभी बंद कर दीजिए। ये वीडियो मेरे स्टूडेंट के लिए है ताकि कल को भविष्य में देखें तो उनको पता चले कि वो क्या यहाँ से सीखे हैं, और कभी उनको रिवाइज करना हुआ तो भी उनको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये वीडियो देख लेना चाहिए। बाकी अगर जो मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो मैकेनिक बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको आपको पता चलेगा कि आपने अब तक दो या तीन महीने में कितना सीखा है और यहाँ पर ये दो दिन में कितना सीखे हैं। आपको यहाँ पे कितने दिन हुए हैं, जैसे एक जन से पूछूंगा कितने दिन हुए यहाँ पर? दूसरा दिन है सर, दो दिन हुए। दो दिन हुए हैं जिसमें से एक दिन मैंने नॉर्मल क्लास कराई थी, आपकी डेमो क्लास कराई थी। कंपोनेंट के कितने दिन हुए यहाँ पर? दो दिन। दो दिन वो रजिस्टर कैपेसिटर जो आपको मैं पूछ रहा हूँ, तो दो दिन की क्लास है यहाँ पर। कहाँ से आए हैं सर? नीरल, लुधियाना से। लुधियाना से आए हैं। तो ये सारी अब चीजें दोस्तों यहाँ पर हम पूछने वाले हैं, तो वक्त ना खाते हुए सीधे हम यहाँ पर कंपोनेंट की डिटेलिंग करेंगे और एक बहुत सारी चीजें पूछेंगे। जिनको नॉलेज है वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उनको मिस हो गई हो। जैसे सपोज कंपोनेंट की नॉलेज हो, कंपोनेंट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करूंगा। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अमित। कहाँ से? नेपाल से। तो अमित, ये बताओ तुमको रजिस्टर कैपेसिटर, तुमको डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, अगर मैं कुछ भी पूछूं तो तुम बता दोगे उसको, है ना? उसको चेक करना आ जाएगा तुमको, मल्टीमीटर से ढूंढना आ जाएगा उसको, ठीक है? तो अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे रजिस्टर के बारे में पूछूंगा, क्यों, क्या मतलब रजिस्टर क्यों लगाया जाता है मोबाइल फोन में? क्यों? औरत के लिए, अवरोध के लिए। रजिस्टर कितने प्रकार का होता है? रजिस्टर छह प्रकार का होता है। कौन कौन सा बता दो? नॉर्मल रजिस्टर, कॉइल रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, पैकेज रजिस्टर, कोट रजिस्टर, थर्मिस्टर, VTR, पैकेज रजिस्टर। पैकेज रजिस्टर। अच्छा ये बता दो, किस रजिस्टर को जंपर मार सकता हूँ इन छह में से, और किन रजिस्टर को जंपर नहीं मारना चाहिए? फ्यूज रजिस्टर का जंपर मारना नहीं चाहिए, कोट रजिस्टर का जंपर मारना नहीं चाहिए, थर्मिस्टर को भी नहीं। मतलब हम उसको, उसके अलावा बाकी सारे रजिस्टर को हम क्या मार सकते हैं? जंपर मार सकते हैं। अच्छा ये बता दो कि एक रजिस्टर जैसे नॉर्मल रजिस्टर है, वो एक सर्किट में किस दो कंडीशन में लगा होगा? नॉर्मल रजिस्टर वो सीरीज में लगा होगा और पैरेलल में होता है। अगर पैरेलल और सीरीज की कंडीशन क्या होगी? वो हाई वैल्यू रजिस्टर होता है, पैरेलल वाला, पैरेलल वाला लो वैल्यू वाला रजिस्टर सीरीज में होता है। हाँ, तो लो वैल्यू से हाई वैल्यू कितना भी हो सकता है? लो वैल्यू से हाई वैल्यू 100 तक, ऊपर से ऊपर जितना भी हो सकता, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी मल्टीमीटर को, मल्टीमीटर में चेक करते समय रजिस्टर पे बीप आ रही है और मल्टीमीटर 00 दिखा रहा है, तो क्या वो रजिस्टर शॉर्ट हो गया है क्या? ना होगा। तो वो क्या है? वो 200 से 2000 के पर चेक करना, चेक करना चाहिए। तो मतलब वो बहुत लो वैल्यू रजिस्टर है, मतलब वो 0 ओम्स का हो सकता है ना? अच्छा किसी रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कैसा लगा हुआ ये चेक करना आ गया आपको? आता है यहाँ पर, ठीक है? कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, आपको नॉलेज है यहाँ पर? और वो हम IC का रजिस्ट्रेशन है, कौन से कॉम्पेंट सीरीज में लगे थे पैलर में, ये दो दिन में पढ़ा आपने? कैसा लगा पढ़ के आपको यहाँ पर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ के। अच्छा, यहाँ पर जो सोच के आए थे वो मिला आपकी? नहीं, सब मिला, सब मिला दो दिन में, और भी आगे आप मेहनत करेंगे यहाँ पर है। चलिए ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। अब इनके साथ में किसी और स्टूडेंट को उठाना चाहूंगा, कैपेसिटर। तो दोस्तों अब इसके बाद में मैं एक अपने स्टूडेंट को खड़ा करना चाहूंगा, कैपेसिटर। बताओ कैपेसिटर क्या काम, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? बहुत मुस्कुरा रहे, लगता है अच्छा लग रहा है इनको यहाँ पर। बताइए सर। मेरा नाम नवाब है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ,
कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करना। फिल्टर करना, अच्छा ये बताओ मेरे बोर्ड में कैपेसिटर के दो प्रकार के लगे होते हैं जी, एक सीरीज में लगे रहते हैं एक पैरेलल। ये तो कनेक्शन बता दिया आपने, कैपेसिटर के टाइप बताइए। कैपेसिटर सर दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। अच्छा पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर इनकी पहचान आपको आती है, आप इनको मल्टीमीटर में चेक कर लेंगे किसी भी बोर्ड में, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये सबसे ज्यादा कहाँ लगे मिलते हैं सर? ये पावर एसी के पास लगे होते हैं। हाँ। बूस्ट कॉइल के पास लगे, मतलब कहाँ के, मतलब ये बोलते हैं कि यार पोलर कैपेसिटर को क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं सर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर निकालेंगे तो वापस लगाना, वापस लगाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ सेक्शन में बिल्कुल जरूरी है जहाँ कैपेसिटर लगाना बहुत जरूरी होता है? बूस्ट कॉइल के पास, बूस्ट कॉइल जहाँ भी बूस्ट कॉइल है उसका रीजन बता दो, क्योंकि बूस्ट नहीं करेगा तो इसलिए कौन कौन से सेक्शन में जरूरी है? बूस्ट कॉइल कहाँ कहाँ लगा मिलता है? बूस्ट कॉइल आपके पावर एसी के पास लगे होते हैं और रिंगर आईसी, और रिंगर आईसी बूस्ट कॉइल नहीं पावर आईसी के पास लगे होते हैं, और लाइट सेक्शन, लाइट सेक्शन बूस्ट कॉइल कहाँ मिल सकते हैं? लाइट सेक्शन और पावर आईसी, इसलिए हमें वहाँ की कैपेसिटर निकाल के कभी भी। चलिए ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफी चीज बताई, आपका नाम क्या है बताया था, कैसा लगा तुमको यहाँ पे आके? अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब जो तुमने सोचा था एक दिन में दो दिन में हम एक महीने में सीख पाएंगे, तो यहाँ पे दो दिन में लगा, यहाँ पर सीख रहे हैं, सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चलिए ताली बजा दो। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर के साथ में हम यहाँ पर आ जाओ, कैपेसिटर को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं राजस्थान से है। अच्छा ये बता दो कि मैं कैपेसिटर ये पूछ रहा था कि कैपेसिटर में कितने फॉल्ट हो सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं कैपेसिटर में? कैपेसिटर लीकेज हो सकता है और शॉर्ट हो सकता है। ओपन तो नहीं होता कैपेसिटर, तो लीकेज में कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर लीकेज है? 20 के पे अगर वो वैल्यू बता रहा है तो वो लीकेज है, उसके लिए कैपेसिटर को निकालने की जरूरत है ना? हाँ, निकालने की जरूरत है। और अगर शॉर्ट होगा तो कैसे पता चलेगा? बीप बजेगा तो कैपेसिटर शॉर्ट होगा, तो इसलिए हमें कैपेसिटर को लीकेज और हम शॉर्टिंग चेक करना है। अगर ओपन आता है तो फिर हमें उसको चेक नहीं करना है। अगर मान लो कोई कैपेसिटर ओपन आ रहा है, तो अगर कोई कैपेसिटर ओपन आ रहा है तो वो क्या फॉल्ट है? मतलब ओपन क्या मतलब कि अगर कैपेसिटर पे रख रहे हैं कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है तो उसका क्या मतलब? लाइन फॉल्ट है, लाइन फॉल्ट है, या तो कैपेसिटर डिस्चार्ज है पूरा का, जिस वजह से उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। वैसे कैपेसिटर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कितने मोड पे रखते हैं? बजर मोड पे रखते हैं। बजर मोड पे रखने चाहिए, केवल उसमें क्या नहीं आनी चाहिए? बीप नहीं आनी चाहिए, केवल उसमें क्या नहीं आनी चाहिए? बीप नहीं आनी चाहिए। तो आपने ये बताओ कि कैपेसिटर आप नॉर्मल कैपेसिटर और पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर चेक करना आ जाएगा आपको? रजिस्टर जो कि हमने बताया पूछे जब वो आ जाएगा चेक करना, यहाँ पर सबको आता है कि नहीं आता है यहाँ पर, है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा यहाँ पर? बढ़िया लगा, मतलब जो आपने सोचा था कि एक महीने में सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, अभी दो दिन में आपको आउटपुट सही मिल रहा है यहाँ पर? मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तो इनके लिए ताली बजा दो। अब इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर डायोड, तो डायोड के लिए हम इनको उठाएंगे। आपका नाम बताइए। सद्दू सरकार, वेस्ट बंगाल बर्धमान से। चलिए ठीक है, आप बताओ डायोड क्या काम करता है सर्किट में? डायोड एसी से डीसी सप्लाई बदलता है। डायोड दो प्रकार होता है, जेनर डायोड और नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड और एक और होता है जो हमारे कीपैड के एलईडी में लगा होता है, कौन सा? एलईडी डायोड। एलईडी डायोड, एलईडी डायोड। अच्छा ये बताओ डायोड को चेकिंग कैसे करेंगे? डायोड के चेकिंग होता है, एक तरफ आपको रीडिंग आएगी, एक तरफ मतलब एक आएगी, तो जिस तरफ रीडिंग आया वो पॉजिटिव हुआ, और जिस तरफ मतलब बीप ने रीडिंग नहीं आया तो नेगेटिव मतलब पास किया एसी को डीसी में। अच्छा ये बताओ कि डायोड में कितने फॉल्ट आ सकते हैं? एक डायोड में तीन, ओपन भी हो सकता है वो, लीकेज भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अगर ओपन होगा तो क्या कंडीशन बनाएगा? ओपन होगा तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगा, दोनों तरफ कोई रीडिंग आएगी, और अगर वो शॉर्ट होगा तो क्या कंडीशन? बीप देगी, और लीकेज होगा तो? लीकेज होगा तो रीडिंग आपका ज्यादा आएगी। वेरी गुड, और कम भी आएगी, और कितनी आएगी आपको पता है? चलिए वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि ये डायोड सर्किट में किस दो कनेक्शन में लगा मिलता है? एक सीरीज में रहता है, प्रोटेक्शन के लिए आपको पैरेलल में रहता है। वेरी गुड, प्रोटेक्शन के लिए पैरेलल में लगा देते हैं। अच्छा ये बता दो सीरीज में डायोड कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या हर सेक्शन में तो मिलेगा क्या? पावर की सेक्शन में, हाँ, चार्जिंग सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, और पैरेलल में कहाँ कहाँ मिल जाएगा? पैरेलल में हर कहीं मिल सकते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए कौन से डायोड हम निकाल सकते हैं और कौन से डायोड हमें नहीं निकालना, निकाले तो हमें वापस लगा देना चाहिए? पैरेलल में हम निकाल सकते हैं, सीरीज में हमको लगाना पड़ेगा डायोड। आप नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ थोड़ी थोड़ी बताइए, प्रैक्टिकल बताया कि नहीं बताया, चेक करना आता है कि नहीं आता है? रजिस्टर भी चेक कर लोगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, दो दिन में यहाँ पर? सच बताओ पैसा तो नहीं ले रहा हूँ? नहीं, नहीं। यहाँ पर पैसा दे रहे हो जबकि, है ना? पैसा दे रहे हो उल्टा? नहीं, नॉलेज दे रहे सर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। नॉलेज नहीं था कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट जानते थे लेकिन उसका आउटपुट नॉलेज नहीं था हमको, तो आपको इसलिए आपको आउटपुट मिला तो आपको मजा आया। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके ताली बजा दो यार।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे और स्टूडेंट है, किस किस को खड़े करें। अच्छा, आप सब लोग से साथ पूछेंगे। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम देवव्रत नगरवाल है। आई होप आप मुझे जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं। आप लिखिए देवव्रत नगरवाल, स्पेलिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आप लिखिए गूगल में देवव्रत नगरवाल, आप लिखिए प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे, आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मेरी आपको YouTube चैनल मिल जाएगा, जो कि एक पहला है एशिया टेलीकॉम, दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर, जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। एशिया टेलीकॉम में मैं डालता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो। तीसरा, अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऐप्स मिल जाएंगे, और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मित्रांनो, आज सरांची नवीन बुक जी आहे ऍडव्हान्स मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10% लॉन्च झालेलं आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। अरे ऍप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.